हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एयर जॉर्डन 4 रेट्रो जो टंडर रेड कलरवे में है। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एयर जॉर्डन 4 है मैं जो अनबॉक्स करने वाला हूँ, और ये जो स्नीकर है ये रिसेंट में रिलीज हुआ था। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, साथ ही मैं अपना रिव्यू दे दूंगा। तो ये रहा हमारा बॉक्स, आप जैसे देख सकते हो। बॉक्स की डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि है ना, ये बॉक्स ब्लैक एंड रेड कलर का है, जहाँ पर ब्लैक कलर का अपर लिड है एंड रेड कलर का जंपमैन का लोगो दिया है। नीचे इधर व्हाइट कलर में फ्लाइट लिखा हुआ है। साइड में देख सकते हो बॉक्स के नीचे के साइड है ना, यहाँ पर सीमेंट टाइप ऑफ फिनिशिंग दिया हुआ है एंड सेम हर साइड के बॉक्स में ऐसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर में जंपमैन का लोगो दिया हुआ है और एक साइड भी आपको सेम है, अपर लिड ब्लैक कलर का और नीचे से इधर सीमेंट का पूरा डिजाइन दिया हुआ है। बॉक्स के और एक साइड आप देख सकते हो इधर है ना रेड कलर का जंपमैन लोगो है और यहाँ पर आपको है ना साइजिंग डिटेल्स लिखा हुआ है। बैक साइड ऑफ द बॉक्स आप देख सकते हो प्लेन ग्रे कलर का बॉक्स है, यहाँ पर है ना जंपमैन का लोगो है रेड कलर का और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइसिंग डिटेल्स लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार स्नीकर निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये रहा मैं स्नीकर, आप जैसे देख सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे को ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो और कलर वे भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं स्नीकर के, तो आप देख सकते हो अपर साइड जो ब्लैक है ये पूरा स्वेट लेदर दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हो इधर ब्लैक कलर का मेश दिया हुआ है और अंदर से क्लॉथ मटेरियल का रेड है, और कॉर्नर में आप देख सकते हो इधर ब्लैक एंड रेड कलर का एक रबर दिया हुआ है जो एक्चुअली एक लेस सपोर्ट के तरह काम कर रहा है। अपर साइड रेड है और नीचे से इधर ब्लैक है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और सेम आप इधर फ्रंट कॉर्नर में भी नोटिस करोगे इधर रेड कलर का दिया हुआ है। फ्रंट साइड ऑफ द स्नीकर आप देख सकते हो यहाँ पर है ना आपको कोई होल्स नहीं दिया हुआ है, यूजली जॉर्डन 4 में आपको ऐसा होल नहीं दिया जाता है। एंड लेस इधर आपको बस एक ही लेस दिया हुआ है ब्लैक कलर का, और टंग अगर आप नोटिस करोगे सेम आपको है ना ब्लैक कलर का मैश और अंदर से रेड कलर का मटेरियल दिया है जो आपको इधर कॉर्नर में मिलता है। और टंग के अपर साइड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जंपमैन का लोगो दिख जाएगा व्हाइट कलर में, और उसके नीचे फ्लाइट लिखा हुआ है रेड कलर में। टंग के बैक साइड अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपको एयर जॉर्डन लिखा हुआ दिखेगा जो उल्टा लिखा हुआ है। बैक साइड ऑफ द स्नीकर आप देख सकते हो यहाँ पर जंपमैन का लोगो है व्हाइट कलर में, और ये जो पूरा है ये पूरा रबर मटेरियल दिया हुआ है। इनर सोल आप देख सकते हो ब्लैक कलर का इनर सोल है और व्हाइट कलर का जंपमैन का लोगो है, और ये जो अंदर का टंग का साइड है ये पूरा रेड कलर का है। मिडसोल आप देखोगे तो इधर रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन का मिडसोल दिया हुआ है, यहाँ पर रेड कलर दिया हुआ है एंड इधर ब्लैक कलर है, जो पर्सनली बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऑल्सो मिडसोल में यहाँ पर आपको एयर पंप दिया हुआ है जो है ना एक एक्स्ट्रा कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा आपको। एंड डाउन सोल आप देख सकते हो ब्लैक एंड रेड कलर का डाउन सोल है, यहाँ पर आपको रेड कलर का छोटा सा पैच दिया हुआ है और पूरा सोल ब्लैक कलर का है, और यहाँ पर आपको छोटा सा जंपमैन का लोगो दिया हुआ है व्हाइट कलर में। और ग्रिप के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा डिसेंट सा ग्रिप मिल जाएगा ये स्नीकर में। तो अगर हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये स्नीकर का रिटेल प्राइस था अराउंड 15,995 रुपीज, और ऑब्वियसली आपको ये स्नीकर अभी रिटेल में तो नहीं मिलेगा, पर डेफिनेटली आप कोई भी रीसेलर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मेरे हिसाब से रीसेलर्स अभी ये स्नीकर 22,000 to 25,000 के रेंज में बेच रहे हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आपको ये कलरवे अच्छा लगा है तो अभी बेस्ट टाइम है खरीदने का, क्योंकि ये कलरवे का प्राइस बढ़ने के चांसेस है फ्यूचर में। आप मेरे पर्सनल ओपिनियन के लिए पूछे तो डेफिनेटली आपको ये स्नीकर खरीदना चाहिए अगर आपको ये कलरवे अच्छा लगा हो तो। क्वालिटी वाइज ये स्नीकर अच्छा है, ज़्यादा टाइम तक टिकेगा ये स्नीकर, और लुक्स भी इसका अच्छा ही है, इसलिए ये स्नीकर को ज़्यादा डिमांड भी है। तो यस, अगर आपके बजट में स्नीकर फिट होता है तो है ना आपको ये स्नीकर खरीदना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर मी इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।